दोस्तों, आज मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम ये पोर्टेबल टाइप स्टोव है। ठीक है, ये क्या मतलब छोटा सा स्टोव है जो लोग मोस्टली कैंपिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा है। मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, इसकी वेबसाइट पर अलग अलग रेट दिए हुए हैं। इसमें बॉक्स के अंदर में एक इसका एक बिल निकला है और साथ में एक ये स्टोव है और इसके साथ में कुछ एक ये दिया हुआ है। इसमें इसके इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये स्टोव कैसे चलता है। इसके दो मॉडल हैं कि ये ऐसे भी आता है और एक ये वाला है जो हमने अभी मंगवाया है, जिसके हम अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इस बॉक्स में कुछ नहीं है, सिर्फ इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, इसमें ये कवर दिया हुआ है, इसका बैग दिया हुआ है जिसको कि आप इसको कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कवर अच्छा है। ठीक है, ये हमारे पास मेन डिवाइस है, मेन चीज़ है जिसको कि हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये एक चूल्हा है, गैस स्टोव है, जिसको कि लोग कैंपिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसको कि ज़्यादा वेट भी नहीं है इसका। ठीक है, इजी आसान तरीके से कैरी कर सकते हैं, इसको कहीं ले जा सकते हैं। और इसमें साथ में एक ये ब्यूटेन की बोतल लगती है, गैस की बोतल लगती है इसके साथ में, जिससे कि ये चलता है। ठीक है, और इसको कैसे एडजस्ट करना होता है, ये जैसे इसके ये दिए हुए हैं चारों तरफ के कॉर्नर दिए हुए हैं, इसको आपको थोड़ा सा घुमाना है, ऐसे एडजस्ट करना है इसको आपको। ठीक है, ये तैयार हो गया इसका ऊपर का हिस्सा। इसमें नीचे भी है, इसके स्टैंड होते हैं, इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गैस स्टोव तैयार हो गया है। इसमें एक इनबिल्ट ये लाइटर भी दिया हुआ है, जिससे कि ये चलता है, गैस चल जाती है। ये देखिए, इसको आप ऐसे दबाओगे तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी लाइट ये निकलती है, चिंगारी निकलती है, आपको दिखाई देगी या नहीं देगी, अब नहीं दिख रहा शायद। ठीक है, ये इस पर टच होती है जिससे कि चलता है। ठीक है, ये ब्यूटन की बोतल है इसकी, इसका मैंने ऊपर का कवर निकाल लिया है। इसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होता है इसको। ठीक है, इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, जैसे कि जो ये इसका कट दिया हुआ है यहाँ पे बोतल में, गैस बॉटल में, इसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है और तब तक घुमाना जब तक कि ये दूसरे हिस्से में ना आ जाए। एक मिनट, देखिए अब इसमें मैंने ये फर्स्ट राउंड इसको डल गया, सेकंड राउंड डल गया है। अब ये देखिए एडजस्ट हो गई है पूरी बॉटल। ठीक है, अब ये पूरी तरह से इसमें अटैच हो गया। ठीक है, आप इसको आसानी से देखो, इसको आप यहाँ पे रख के चला सकते हो आसानी से। ठीक है, आप इसको आसानी से रख के यहाँ पे चला सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ इसको लाइटों को यहाँ पे दबाना है। सॉरी, मैं इसका एक बटन है जिससे कि इसमें गैस ऑन होती है, गैस ऑन होती है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दबाना है, थोड़ा सा दबाना है। अब आवाज़ आ रही होगी आपकी इसको। ठीक है, अब यहाँ पे लाइटर ऑन करना आपको, ये चल गई है गैस। इसको आपको एडजस्ट कर लेना है कि इतने टेम्परेचर, इतनी फ्लेम पे कि ये अलग आपके लिए खतरा ना बने। ठीक है, अब मैंने ये कर लिया है, ये चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ आपको कि मतलब क्या इसका मैगी बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि कुछ चाय बना सकते हैं या कैंपिंग में जो भी सामान बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं इसके ऊपर में। जैसे कि मैंने ये बर्तन है, मैं अभी घर पे यूज़ कर रहा हूँ इसको, देखिए। ठीक है, देखते हैं कि कितने देर में पानी उबल जाता है इसके ऊपर में। मैं थोड़ी सी लो को तेज़ कर देता हूँ, इसकी फ्लेम को तेज़ कर देता हूँ ताकि पता चले कितनी देर में पानी उबल गया। ये जो इसकी बोतल है हाई फ्लेम पे लगभग 2 से 2.5 घंटे तक इस्तेमाल हो जाती है। ये जो बोतल है इसकी फ्लेम की, ये इस बोतल को अगर सेपरेट लोगे तो आपकी इसकी 150 के आसपास कॉस्ट आती है। अगर आप ये लोगे तो ये लगभग आपको 600 रुपये के आसपास का पड़ता है गैस स्टोव। और अगर आप ये लेते हो तो ये 150 का आता है, लगभग ये 750 या 800 के आसपास इसकी रेंज रहती है। इसके रेट अलग अलग हैं, आप देखोगे एक ही प्रोडक्ट के फ्लिपकार्ट और अमेजन पे बहुत डिफरेंट रेट दिए हुए हैं।
ठीक है। आप देखो इसमें से वो धुआं निकलने लग गया पानी में से, मतलब ये गर्म हो गया है पूरा, लगभग देखते हैं जिसमें उबाल कब आ जाता है। ये इसका एक कवर दिया हुआ है, अच्छा कवर है। यूज होने के बाद आप इसमें डाल के इसको आसानी से रख सकते हैं और बैग में डाल के कहीं भी कैरी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये लॉक लगता है इसमें, ठीक है। पानी आपको दिख रहा होगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से पानी गर्म हो गया, आपको दिख रहा होगा। लगभग एक एक 1.5 मिनट से 2 मिनट में पानी गर्म हो जाता है इसमें। आप मतलब कि इतना बड़ा बर्तन ले लीजिए, इसमें चिकन राइस भी बना सकते हैं, आमलेट भी बना सकते हैं, मैगी भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ जो ऐसी इस पर आसानी से रखी जा सके बना सकते हैं। और ये इजी मतलब कि पोर्टेबल चीज़ है ये, आप इसको आसानी से कैंपिंग में कहीं भी ले जा सकते हैं, देखिए पानी का, ठीक है। तो इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल चीज़ है ये, ठीक है। ये पानी गर्म हो गया, मैं इसको कार के साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसकी लो चल रही है, अगर आप इसको लगातार इसी फ्लेम पे चलाते हैं तो ये लगभग 2 घंटे के आसपास यूज हो जाता है। इसकी फ्लेम को आप कोशिश करें कि इसी फ्लेम पे ही रखें, इसी टेम्प उस पर ही रखें, स्पीड पे ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये मैंने ये फुल किया हुआ है, इसको फुल करने पे लेकिन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको इतना ही रखें, ठीक है। इसको जब यूज़ करने के बाद इसको प्रॉपर बंद कर दें यहाँ से, ठीक है, टाइट बंद करके, ठीक है। और इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दें, अभी गर्म होगा, ठीक है। देखता हूँ मैं, अभी गर्म तो नहीं है। इसको आप स्टैंड इसकी गैस को आप इसकी कैन को ऐसे रिमूव कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करिए, घुमाइए, ठीक है, और ये निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। ये दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसको आप ऐसे ही देखिए, भाई गर्म होगा अभी तो, ठीक है। इसको वैसे ही बंद कर दीजिए जैसे आपने खोला था, ठीक है। ये एडजस्ट हो जाएगा, रुकिए मैंने शायद उल्टा बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइटर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसको इसके थ्रू क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस तरह बंद होगा, ठीक है। तो ये दोबारा से उसी पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। अब इसको जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसके ये स्टैंड है ये भी बंद कर सकते हैं, तो ऐसे ही पूरा एज इट इज जैसे पहले की अवस्था में इसको करके बंद करके दोबारा से आप इसको इस बैग में डाल के रख सकते हैं, ठीक है। और ये वो बोतल आपको सेपरेट मार्केट में मिल जाती है, 150 रुपये इसकी कीमत है, ठीक है। और इसकी कीमत लगभग 600 के आसपास पड़ती है, अगर आप ये दोनों सेपरेट लेते हैं, इसकी कीमत भी लगभग 600 के आसपास पड़ती है, ये 150 के आसपास पड़ता है, 150 रुपये के आसपास। अगर आप इन दोनों को साथ में लेते हो तो ये लगभग 800 रुपये के आसपास पड़ता है, ठीक है। आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, अगर आप कहीं घूमने उमने जाने का प्लान बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई वहाँ पर बाहर से आपको कुछ खाना ना पड़े, तो आप इसको आराम से बैग में कैरी करके ले जा सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबल चीज़ है, आराम से बैग में रखी जा सकती है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं हटती, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।